त्रिपुरी जी, कुछ ही दिनों में महाशिवरात्रि आने वाला है, तो इस साल का महाशिवरात्रि किस तारीख को है और महाशिवरात्रि के दिन क्या खास संयोग बन रहा है? इस बार जो है महाशिवरात्रि अंग्रेजी तारीख के अनुसार 8 मार्च को पड़ रहा है। 8 मार्च 2024 शुक्रवार दिन है और महाशिवरात्रि तो फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को मनाया ही जाता है, तो शिवरात्रि हर एक मास के कृष्ण चतुर्दशी में मनाया जाता है, लेकिन महाशिवरात्रि सिर्फ फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी में मनाया जाता है। क्योंकि पुराणों में ऐसा वर्णन आया है, जो शिव जी का प्राकट शिवलिंग के रूप में, ज्योति स्तंभ के रूप में फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को ही हुआ था, इसलिए शिवलिंग की उत्पत्ति का समय भी माना जाता है और शिवलिंग की पूजा उस दिन जरूर करनी चाहिए। चारों प्रहर पूजा होनी चाहिए रात में भी, चूँकि यह रुद्र सब से मिला हुआ है, चूँकि एकादश रुद्र माने गए हैं और हमारे हिंदू शास्त्र के कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन महीना जो होता है वो 11वां महीना होता है, चैत्र इसका 12वां महीना होता है, इसलिए 11वां महीना में रुद्र के प्रतीक के रूप में शिव की पूजा की जाती है और शिव जो है सो शिव का प्राकट्य भी महानिशा रात्रो शिवलिंग प्रकट हुए थे, तो ऐसा रात्रि पूजा का ही विधान है। चारों प्रहर की पूजा की जाती है और यहाँ बाबा बैद्यनाथ धाम में भी इनकी जो पूजा होती है वह चारों प्रहर में अलग अलग वस्तुओं से पूजा की जाती है। पंचामृत से पूजा की जाती है और विशेष पूजा की जाती है, रात्रि भर पूजा होती है और उस दिन बाबा का श्रृंगार भी नहीं होता है। चूँकि शिवलिंग की पूजा करने का विधान बतलाया गया है और रात में ही पूजा करने का विधान बतलाया गया है, इस बार विशेष जोग पड़ रहा है, शुक्रवार को चतुर्दशी रात में 7:52 पर पड़ रहा है, तो रात्रि 7:52 में शुक्रवार अगर चतुर्दशी पड़ जाए तो उसको अमृत योग बोलते हैं, इसलिए यह संयोग बहुत बढ़िया है। इस बार जो लोग पूजा करेंगे अमृत योग का भी उनको सिद्धि योग, अमृत योग सर्वार्थ अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ नक्षत्र रहता ही है सवेरे और इसमें जो है सो बहुत अच्छा दिन है इस बार, चूँकि त्रयोदशी 7:52 तक है तो 4 प्रहर होता है प्रदोष काल, फिर रात का जो है 9 बजे के बाद दूसरा प्रहर, फिर 12 बजे बाद फिर तीसरा प्रहर, 3 बजे चौथा प्रहर, तो चारों प्रहर में पूजा करने का विधान है, तो प्रदोष काल में भी जो है सो ये चतुर्दशी पाया गया है, फिर मध्यान्ह 9 बजे भी पाया, चारों प्रहर में पूजा अमृत काल ही मिलेंगे और अमृत काल की पूजा एक विशेष सिद्धिदायक रहेगी और बहुत अच्छा योग बन रहा है। और शिवरात्रि तो ऐसे ही महाशिवरात्रि है, बाबा भोले का विशेष दिन माना गया है, सभी देवी देवता इनकी पूजा करते हैं उस दिन और महाशिवरात्रि बाबा विशेष बाबा के लिए विशेष तिथि मानी गई है, इससे बड़ा कोई तिथि फिर पूजा के लिए शिव की पूजा के लिए नहीं माना।